नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों अपने YouTube चैनल टारगेट बाय विपिन कुमार में। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों अध्याय फर्स्ट, और दोस्तों ये हम साइंस का से सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों इंग्लिश का हमने सेक्शन स्टार्ट कर दिया दोस्तों, उसके 3 पार्ट्स हो चुके हैं, और आज से हम साइंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका पहला पार्ट का नाम है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों ये जो पार्ट का जो लेसन का नेम है दोस्तों, ये काफ़ी ही अच्छा है, और ये जो इससे हमारे जीवन में काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे दोस्तों, और एग्जाम में भी आते हैं दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में तो इसका बहुत ही महत्व होता है दोस्तों। तो इसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या होता है केमिकल इक्वेशन, क्या होता है केमिकल रिएक्शन, आज इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। तो पहला दोस्तों जैसा नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो पहले दोस्तों हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। दोस्तों मैंने लिख दिया है टाइम को बचाने के लिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ नए पदार्थ बनाते हैं, तो यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों आपको डेफिनेशन के माध्यम से अच्छे से नहीं होगा, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों। जब एक या एक से अधिक पदार्थ, मैंने कहा एक या एक से अधिक पदार्थ, तो दोस्तों एक और एक, एक से अधिक पदार्थ हो गए, दो पदार्थ हो गए, आपस में क्रिया करके, आपस में इन्होंने संयोग करके क्या बनाया, एक या एक से अधिक पदार्थ। यहाँ पर दोस्तों इसने एक पदार्थ बनाया है, लेकिन ये एक से अधिक पदार्थ भी बना सकता है, और दोस्तों ये नया पदार्थ बनाया, जब कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया की तो दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना है। दोस्तों ये तो हो गई हमारी रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों बात आती है समीकरण की, तो इक्वेशन दोस्तों ये होता है रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के माध्यम से लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर हम हिंदी में से लिखें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो दोस्तों ये काफ़ी बोरिंग हो जाएगा और काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा, इसलिए दोस्तों समीकरण का निर्माण किया गया, इन्हें रासायनिक सूत्रों के माध्यम से लिखा जाता है। अब दोस्तों एक अच्छी बात और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ आपके अभिकारक होते हैं। मैंने लिख दिया C+O2, दोस्तों आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिकारक हो जाएगा, और बनने वाला पदार्थ दोस्तों आपका उत्पाद होता है। तो डेफिनेशन हो जाएगी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। दोस्तों इतना कुछ जानने के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, और आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि इस समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो आइए दोस्तों इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेते हैं। तो दोस्तों उदाहरण हमारा था C+O2 मिलकर आपका क्या बनाता है, CO2 बनाता है, ठीक है दोस्तों। C आपका कार्बन मिलकर ऑक्सीजन से, ठीक है दोस्तों, क्या बनाता है, CO2 बनाता है। अक्सर बच्चों के दोस्तों ये रहता है कि ये क्या उसे बराबर बोल देते हैं लोग, लेकिन दोस्तों ये बराबर ये होता है जबकि ये आपका रिवर्सिबल होता है, ठीक है, साइन ऑफ ब्रेक्सन एक और चिन्ह होता है और रिवर्सिबल होता है। तो C+O2 रिवर्सिबल CO2, यानी CO2 C+O2 ने आपस में क्रिया कर आपका क्या बना दिया, CO2 बना दिया। अब दोस्तों बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम पहचाने कैसे, तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के दोस्तों काफ़ी नियम होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो फर्स्ट नंबर उसमें क्या होगा, या तो रंग परिवर्तन होगा, मैंने क्या कहा दोस्तों, रंग परिवर्तन, कलर चेंजिंग, और दूसरा दोस्तों अगर रंग परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसमें आपका अवस्था परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपका इन दोनों में से कोई नहीं होता है तो उसमें आपका, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है दोस्तों, या तो उसमें रंग परिवर्तन होगा, या अवस्था परिवर्तन होगा, या गैस निकलेगी, ठीक है दोस्तों, गैस निकलना, या दोस्तों आपका अवक्षेप बनना। तो दोस्तों ये क्या होते हैं आपके रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के कुछ साधारण से नियम। दोस्तों अगर हम इसे फॉलो करें तो C+O2 मिलकर CO2 बना रहा है दोस्तों, और CO2 क्या होता है आपका दोस्त, एक गैस होता है जिसे हम जी लिखते हैं।
तो दोस्तों ऊपर का चिन्ह जो होता है वो हमें ये बताता है ये पदार्थ क्या है, बन मिलकर गैस बना है। दोस्तों कार्बन क्या होता है आपका, सॉलिड होता है। O2 क्या होता है दोस्तों आपका, गैस। ऑक्सीजन गैस होता है। जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, गैस। अब दोस्तों ये दोनों मिलकर क्या निकाल रहे हैं, इसमें से दोस्तों गैस निकल रही है। तो अगर गैस निकल रही है दोस्तों तो ये क्या हुई आपकी, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं तो यह क्रिया हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कुछ स्कूलों में दोस्तों आपको लिखा दिया जाता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दोस्तों अगर मैं बात कहूं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, माना मैंने CO2 लिया, यहाँ तो दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ को बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं सिल्वर क्लोराइड को लूँ, AgCl2 को लूँ, तो दोस्तों अगर इसे हम गर्म करते हैं तो ये आपका Ag और Cl में चेंज हो जाता है, ठीक है, Ag प्लस क्लोरीन क्लोराइड। तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो Ag और क्लोरीन में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी डेफिनेशन बताती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, लेकिन दोस्तों यहाँ तो एक ही पदार्थ विघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहा है, तो दोस्तों वहाँ डेफिनेशन गलत हो जाती है। इसके कारण आपके बोर्ड में मार्क्स कट सकते हैं, आपको बहुत ध्यान रखना होगा डेफिनेशन लिखते समय। डेफिनेशन यही बताती है जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ भी हो सकता है या एक से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैंने ये जो त्रिभुज बनाया है ऐसे करकर, ये दोस्तों आपको गर्म करने का यानी तापमान का प्रतीक होता है। दोस्तों अब जब भी आप रासायनिक, अभी तो आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, जब आगे हम वीडियो में रासायनिक समीकरण पढ़ाएंगे दोस्तों तो उसमें आपको इनका बहुत ध्यान रखना होगा कि कार्बन क्या सॉलिड होता है, O2 आपका गैस होता है, CO2 आपका गैस होता है। तो ये चिन्ह भी होंगे दोस्तों, CO2 गैस के लिए आपका ऊपर होगा, अगर दोस्तों वो अक्षेप बनाता है तो वो इस तरह होगा। ये सभी पढ़ेंगे दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बात थी जो मैंने बता दी कि डेफिनेशन में अक्सर गलत हो जाया करते हैं, लेकिन डेफिनेशन गलत नहीं होनी है दोस्तों, आपको बोर्ड में फुल के फुल मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं एक एक कर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हमने लिख दिया यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, दोस्तों आपके अंदाज से 6 प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है। पहला दोस्तों हमारा होता है संयोजन अभिक्रिया, दोस्तों इसे ही हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर होता है वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। दोस्तों तीसरा नंबर होता है विस्थापन अभिक्रिया। अब दोस्तों चौथा नंबर होता है हमारा द्विस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा नंबर होता है उष्मा क्षेपी, और छठा नंबर होता है उष्मा शोथी, ठीक है दोस्तों। इसी के अंतर्गत हम काफी अभिक्रियाओं को दोस्तों कवर करेंगे। जैसे आपका वियोजन अभिक्रिया होता है दोस्तों, अभी मैंने Ag प्लस सिल्वर क्लोराइड को लिया था जो हमने गर्म किया था दोस्तों, तो वह दो पदार्थों में टूट गया था, तो उसमें भी दो तीन प्रकार की अभिक्रिया निकलेगी, उष्मा क्षेपी, प्रकाश क्षेपी, या ऐसे करके दोस्तों काफी अभिक्रियाओं के बारे में इसके अंतर्गत वर्णन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज से हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, एक एक नंबर का इससे जरूर दोस्तों हम पढ़ाएंगे, आपको जितनी भी इससे नॉलेज रिलेटेड होगी आपको ढूंढ ढूंढ कर इसमें निकाल के दिखाएंगे दोस्तों। और एक बात कह देता हूँ दोस्तों, अब आगे जो वीडियो बनाएंगे दोस्तों एक एक कर संयोजन के वियोजन अभिक्रिया ले लेंगे, विस्थापन विस्थापन एक एक कर इनका वीडियो बनाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छा है, आज से स्टार्ट ही हो रहा है दोस्तों, और एक एक कर हम दोस्तों हम चार लवण धातु और साड़ी ऐसे करके सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन कवर करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक ठोक जाइए, और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक दोस्तों शेयर कीजिए। मैं दोस्तों यहाँ पर कह देता हूँ कि आप शेयर कर दीजिए, जबकि दोस्तों आप यहाँ पर बस आपने देखा वीडियो और बंद करके कर देते दोस्तों, जरा देखा करें कि हम लोग दोस्तों कितनी मेहनत करके आपके लिए बनाते हैं, आखिर कुछ तो वो करो दोस्तों, लाइक तो कम से कम ठोक जाओ, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करो दोस्तों। जाते जाते वक्त दोस्तों कहते जाता हूँ कि कर्म करोगे तो फल मिलता है, कर्म करोगे फल मिलता है, माना कि आज नहीं तो कल मिलता है, लेकिन जितना गहरा अधिक हो कुआ उतना मीठा जल मिलता है, जीवन के हर कठिन परिश्रम का जीवन से ही हल मिलता है। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।